पलामू जिले के दरहसी थाना अंतर्गत पाठक पगार पंचायत में आधार अपडेट के नाम पर अवैध पैसों की ठगी की जा रही है। पाठक पगार के बजलपुर ग्राम के ग्रामीणों में अवैध पैसों की उगाही देखी गई है। आपको बता दें कि पाठक पगार पंचायत में बजलपुर ग्राम के ग्रामीणों ने पंचायत भवन में आधार अपडेट करते मुर्शीद आलम पर अवैध पैसों की उगाही करने का आरोप लगाया है और काफी आक्रोश जताया है। एक आधार अपडेट कर 100 रुपए लिए जा रहे हैं। CSC संचालक मुर्शीद आलम ने कई ग्रामीणों को आधार अपडेट के नाम पर चूना लगाया है और इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया गया है। आपको बता दें कि जब R9 भारत की टीम CSC संचालक मुर्शीद आलम से बात करने पहुंची, उसने बताया कि आधार अपडेट के लिए 100 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसमें कि 50 रुपए का रिसीविंग दिया जाता है जो कि हमें सरकार को देना होता है, बाकी के बचे 50 रुपए हम रखते हैं। आखिरकार सच क्या है, मामला जांच का विषय है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। दादी दरोया कुआं ये बताइए ना आप कि आधार कार्ड आपका पंचायत में रिन्यूअल हुआ है? हाँ। अभी करवाए हैं? हाँ। अच्छा, के किया है? हमारा नाम मनोरिया भाई का नाम। अच्छा, कितना पैसा लिया गया है? 100। 100 रुपया ले लिया? हाँ। का कह के? अब का कह के हमारा लुरिया करवाए की रिन्यूअल करवाए? रिन्यूअल की का कहती से? अच्छा, रिन्यूअल कराए, पूरा जानकारी भी नहीं है? कब करवाए? अच्छा, किसके पास? मुर्शीद। मुर्शीद के पास पंचायत भवन में, पाठक पगार पंचायत भवन। अच्छा, जो आप करवाए तो कितना पैसा दिए? 100 रुपये। 100 रुपये दिए? अच्छा, तो 100 रुपये का रिसीविंग दिया है? रिसीविंग 100 रुपये के? हमें तो नहीं लगता है कि दिया है। अब कवर रिसीविंग दिया है नहीं, वो आपको अंगूठा लगाया है वो रिसीविंग। अभी देखिए, एक दुकान वाले जो है यहाँ, तो उनका तो रिसीविंग दिया है अंगूठा का रिसीविंग। हाँ, तो लेकिन जो 100 रुपया लिए उसका तो रिसीविंग नहीं दिया ना। अब हमें तो जंगल के आदमी बुड़बक ही, तो हमें क्या जाने थी कि कैसा क्या। अच्छा, क्या बताया गया आपको मुर्शीद जी के द्वारा? वो तब बोलते थे कि जैसे अति आधार कार्ड हम अति से आए हैं, रांची से अति करके ट्रेनिंग करके आए हैं बनाने के लिए। अच्छा, बनाने के लिए तो आए हैं, तो अगर आधार कार्ड नहीं बनेगा तो नहीं रिन्यूअल होगा, तो ऐसा कुछ बोले हैं? कुछ नहीं कहती, मतलब कि जो करवाइए से अथी सब हो रहा है, ट्रेनिंग करके आए हैं तो करवाने जरूरी है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कुछ बोले कि हाँ नहीं बनवाइएगा तो प्रॉब्लम होगा, आधार कार्ड बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कुछ बोले ना? मतलब आपसे बनाए, आपको रिन्यूअल किए हैं ऐसा। हाँ। बोल करके आपसे 100 रुपये लिया गया। हाँ। और रिन्यूअल किए हैं, अंगूठा लगाए थे। क्या नाम है आपका? घर? घर बजलपुर है, पाठक पगार पंचायत। ठीक, आधार कार्ड रिन्यूअल के अभी पंचायत में हो रहा है, क्या जानकारी है आपको? हम लोग तो नहीं करवाए हैं सर। अच्छा, आप नहीं करवाए हैं? नहीं करवाए। जानकारी मिला है आपको कि करवाना? हाँ, जानकारी मिला है कि राशन नहीं मिलेगा नहीं कराने के बाद। अच्छा, और यही तो कौन बताए ये सब? वही तो बोल रहे थे सब, मतलब गाँव वाला। नहीं, गाँव वाला नहीं, जो पंचायत भवन में आप गए थे? हम नहीं गए हैं, एक दिन गए थे मुर्शिदा के यहाँ, तो वो बोले कि अति करवाना बहुत जरूरी है, आप अगर नहीं करवाइएगा तो ये फरवरी तक काम करेगा आधार कार्ड, एक बार फिर नहीं करेगा। मुर्शीद जो बनाते हैं आधार? हाँ, वो बोल रहे थे कि यही भर काम करेगा, यही महीना भर। तो बनवाना जरूरी? हाँ, बनवाना जरूरी। अच्छा, जानकारी आपको बताया होंगे ना मुर्शीद जी कि कितना पैसा लग रहा है? कितना पैसा? 100 रुपया बोले मुर्शीद जी, बोले कि 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया? अच्छा, आप बनवाए? अच्छा, आपको जानकारी है कितना पैसा लग रहा है? 100 रुपया? नहीं, के बताया, किसके मुँह से? गाँव में बोली मैंने करा। मतलब जो बनवाए हैं, कोई बनाए हैं आपको अगल बगल के, कोई ऐसा कोई है? हाँ, नहीं लेते गोतनी जाते। क्या नाम है गोतनी का? दारू देवी। दारू कुआं वो बनाए हैं? हाँ। उनसे कितना पैसा लिया गया? 100 रुपया। 100 रुपया? क्या नाम पड़ेगा आपका? और आपका? दीदी अनीता देवी। और घर? घर बजलपुर। और आपका भी? हाँ, करके कोई जानकारी है? नहीं, हम बनवाए। आप नहीं बनवाए हैं? आप लोग को? अच्छा, आपका पते नहीं है? क्या नाम है बाबा आपका? मेरा सागर सौदन। क्या है आधार कार्ड का लेकर के? आधार कार्ड कब सुन रहे हैं कि वो ऑटोडेट कराना जरूरी है? के बोला ये बात? वही जो कर रहे हैं सर, मुर्शीद जी। जो मुर्शीद जी बोले थे? हाँ, बोल रहे कि कराना जरूरी है, और अगर नहीं कराए तो? नहीं, वो नहीं करा के नहीं कर, जिसका 14 से बनल है ना, 2014 में, उसका नहीं कराना है। तो पैसा कितना ले रहे हैं बोले? पैसा 100 रुपया बोले हम, कराए नहीं है। अच्छा, कराए नहीं है, मैंने कराने के बाद 100 रुपये ले। अच्छा, यहाँ कुछ लोग कराए हैं, जानकारी है आपको? कुछ कुछ आदमी कराए हैं, बहुत सा आदमी बाकी है। बहुत सा आदमी कुछ बाकी कराए हैं? हाँ, कराए। तो कितना उनको लगा है पैसा, बता है जानकारी? 100 रुपया तो सुन रहे हैं। 100 रुपया? 100 ले रहा। 100 रुपया ले रहे हैं? 200 नहीं ना? 200 नहीं लिया है। 100 रुपया ले रहे हैं? 100 रुपया ले रहे। अच्छा, आपको जानकारी है?
क्या जानकारी है? के ले रहे हैं मुर्शिद जी जो बना रहे हैं रिन्यूअल करने के लिए? अच्छा तो आप नहीं करवाए अभी? करा लिया तो करा लिए हैं। अच्छा आप कराए हैं? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। तो आप कितना दिए हैं पैसे उनको? नहीं जोर से बोलिए, डरना नहीं है। 100 रुपया। तो ये बताइए कि कब कराए हैं बाबा आप? परसों दिन कराए हैं। परसों दिन? अच्छा क्या मैंने क्या वो बोले क्या? अरे सब कर रहा था तो हम करा लिए हम हूँ। नहीं नहीं आखिर कराने समय कुछ बोले होंगे ना? नहीं बोला है। कुछ नहीं बोले हैं? मैंने ये चीज़ तो होगा ना कि कराना जरूरी है। हाँ। तो 100 रुपया लिए आपसे? हाँ। और कुछ रिसीविंग वगैरह दिए? हाँ, मिला है। अच्छा और पैसा का रिसीविंग 100 रुपया जो लिए उसको दिए? नहीं ये कागज दिया है वो देखिए। कोई कागज मतलब दिए हैं? अंगूठा भी लगवाए थे? उठा लो। अच्छा जो बनाए हैं उनका क्या नाम है? मुर्शिद। कहाँ के हैं वो? पाठक पगार के। हाँ आप लोग भी बनवाए हैं? आप लोग ने बनाया है? मतलब भीड़ ज्यादा चलने के कारण अभी आप लोग ने बनाया है? 30 गो के करता है। अच्छा हाँ एक दिन में कितना के बनता है? 30 गो के। 30 गो के। अच्छा आप आधार कार्ड के रिन्यूअल पंचायत भवन में करवाए हैं? की किया है? का नाम बताइए? मुर्शिद। अच्छा ये बताइए कि मुर्शिद जी कराए हैं, कराने समय कितना पैसा लिया? 100 रुपया। नहीं देखिए इधर सामने देखिए वहाँ आप लोग मत बोलिए। कितना कितना? 100 रुपया लिया है? नहीं जोर से बोलिए। देखिए हमको ये कहना है, क्या बोले वो 100 रुपया लेकर के? क्या बोले? आधार कार्ड रिन्यूअल करना है और 100 रुपया पैसा लिए? 100 लिए। अच्छा और ज्यादा नहीं ना मांगे? नहीं नहीं। अंगूठा भी लगवाए थे? हाँ। कि आपका आधार कार्ड का जो चार्ज है वो रिन्यूअल कराए आपसे 100 रुपया लिया जा रहा है यही बोल के लिए ना? ठीक। अच्छा यही बजलपुर है ना? अच्छा कौन सा पंचायत कौन सा? पाठक पगार पंचायत है ना? क्या नाम पड़ेगा सर आपका? पाठक बगर पंचायत। सर अभी आप पर कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आप जो आधार कार्ड अप टू डेट कर रहे हैं उसमें 100 रुपये पैसा लिया जा रहा है, और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मुर्शिद जी का कहना है जो आधार कार्ड बना रहे हैं वो सभी को आधार कार्ड बनना जरूरी है। हाँ ठीक है, रिन्यूअल या अप टू डेट करना जरूरी है। 14 से पहले जो बना है आधार उसका, यानी कि सभी का नहीं, जो 2014 से पहले बना है उसको डॉक्यूमेंट अपडेट करना जरूरी है। गवर्नमेंट का कहना है, हम नहीं कर रहे। अच्छा ये गवर्नमेंट का कहना है? तो आप जो यहाँ आधार कार्ड जो बनाए हैं, जो आईडी ले रखे हैं, ये किसके द्वारा जो है कि दिया गया है? सीएससी के द्वारा मिला गया है। तो अभी आधार कार्ड में जो आप ग्रामीणों का कहना है कि आप 100 रुपये जो पेमेंट ले रहे हैं इसमें क्या कहेंगे? ले रहे हैं आप 100 रुपये? मेरा रेट चार्ट लगा हुआ है उधर, वो देखिए वहाँ पे। अच्छा अच्छा, उसको आप देख सकते हैं। 3 तरह का रेट है, 2 तरह का। अच्छा 50 का भी है, 100 का भी है, जो जैसा काम है उसका वैसा चार्ज। मतलब अगर आधार कार्ड अप टू डेट कराना है तो उसका कितना चार्ज? अगर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं, बायोमेट्रिक अपडेट है तो 100 रुपये उसका चार्ज। मतलब जो चार्ज मेरा लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है उसमें। नहीं अभी पाठक पगर पंचायत के कुछ ग्रामीणों कुछ का कहना है कि वो 100 रुपये ले रहे हैं जो अवैध है। नहीं है लान के हमको कि कौन लिया है ज़्यादा, कैसे लिए हैं, कि वो उसका कौन सा काम किया है। मेरा तो अलग अलग चार्ज है, वो रेट चार्ट के सामने है, 100 रुपया भी लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आवारी हम ले रहे हैं, कौन सा काम कराया कि 100 रुपये। अप टू डेट, अप टू डेट। तो अप टू डेट में 100 रुपये का चार्ज यही है वहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ के देखें लान के। अच्छा से देख लीजिए। हाँ हम देख लेंगे। अभी 100 रुपये के जो जो लग रहा है पेमेंट हो रही है जनता का, उसमें क्या आपके पास कुछ आदेश है? उसका बिल देंगे हम। अच्छा। प्रिंट आउट जो कस्टमर का है, प्रिंट आउट बिल देंगे। कितना का बिल देंगे? 100 रुपया का बिल देंगे। 100 रुपया का बिल है।
अच्छा 100 रुपए के बिल, 50 के बिल, 100 रुपए के, 100, दो तरह का बिल निकलता है। अच्छा, जिसका जैसा काम रहता है वैसा बिल निकलता है, काम के अनुसार बिल। अप टू डेट में 100 रुपए लगता है, काम के अनुसार, काम के अनुसार बिल। अच्छा, आपका जो काम किया, अच्छा आप जो बिल देते हैं सर, क्या आपके पास बिल है जो जनता लोग, क्या इसका रिसीप्ट देते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितना पैसा कटा है। अभी एक मेरे पास बिल, एक अप टू डेट एक रिसीविंग दिए हैं वो आप, जिसमें जो है कि MRP नहीं, पैसा का जो बिल नहीं दर्शाया गया है, जिसमें आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि एक लोग हैं इसमें राजकुमारी देवी बजलपुर के हैं, इसको एक रिसीविंग तो दिया गया है लेकिन कुछ ऐसा 42 रुपया 37 पैसा, 50 रुपया ऐसा, ये 50 रुपये का आप बिल दिए हैं, बिल तो आप 50 रुपये के दिए हैं लेकिन पेमेंट अगला 100 रुपया बोल रहा है। तो उसको बुलाइए यहाँ, 100 रुपया बोल रहा है, काहे बोल रहा, कैसे बोल रहा, हमारा भी कुछ बोलेगा, अगला भी कुछ बोलेगा, तो ऐसे नहीं ना होता। नहीं नहीं, देखिए उसका आरोप है, मेरा कहना नहीं है, उसका आरोप है तो हमारा भी लांग कहना बोले ठीक है, आप मेरा से किसी को दुश्मनी रहेगा तो अगला के कुछ बोलेगा, हमारा पास कुछ बोलेगा, कहीं कुछ बोलेगा, ऐसे बोलने से नहीं ना होता। जो आदमी यहाँ आया है उसे यही पूछे कि कहाँ ले रहा है या कितना ले रहा है, कैसे ले रहा है। नहीं देखिए, इस आदमी का बना है राजकुमारी देवी का, मैं उससे पूछा हूँ, राजकुमारी का यही बना है, वो पता है। हाँ, वो खुद नहीं पता कि यही बना है। नहीं, वो खुद बोली है कि हम मुर्शिद जी के पास बनाए, मेरे पास वीडियो के द्वारा बयान है, बयान में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें वो खुद बोली है कि मैं खुर्शीद को पैसा 100 रुपये दी हूँ, मैं वहाँ पर आधार कार्ड अप टू डेट कराया हूँ, हाँ, जो कि मैं 100 रुपये दिया हूँ, जबकि 50 रुपया का उनका बिल जो है दिया गया। बाकी के 50 रुपया के इसके बारे में क्या कहेंगे? 50 रुपया का जो बिल है वो जैसे बिल निकल गया तो बिल में मेरा भी चार्जेबल है, ये नहीं कि हम ऑटोमेटिक हमको फ्री है। अच्छा, मेरा भी चार्ज कट रहा है तब हम पैसा ले रहे हैं। अच्छा, उसमें चार्ज नहीं कट रहा। अच्छा, उसमें आपका चार्ज भी कट रहा है। हाँ, और 50 रुपया तो पेमेंट सरकार की गवर्नमेंट में चली जाती है, बाकी उसी में हमको बोला जाता है कि कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन अभी तक 1 रुपया नहीं मिला हमको, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा हम चार्ज करते हैं। अच्छा, इसलिए 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, ऐसा ही है ना। तरहसी से संवाददाता सीताराम सोनी की रिपोर्ट।